हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे GTO, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। सबसे पहले इसमें हम सिंबल देख लेते हैं, कैसा इसका सिंबल रहेगा। एनोड, कैथोड, गेट, इस टाइप का हो सकता है या फिर इस गेट इस टाइप का हो सकता है या फिर ऐसा कोई सा भी सिंबल तीनों में से दिख सकता है GTO के लिए। ठीक है, अब देखते हैं GTO की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें डिजाइन करना पड़ा। तो कन्वेंशनल थायरिस्टर जो है, HTR जो है, उसको टर्न ऑफ करने के लिए हमें कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये जो कम्यूटेशन सर्किट है, कम्यूटेशन सर्किट, ये होती है बल्कि और एक्सपेंसिव, बल्कि और एक्सपेंसिव। तो इसकी कारण हम इसका यूज कब तक कर सकते हैं, 1 kHz फ्रीक्वेंसी तक ही यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम इस सर्किट का यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमने डिजाइन किया GTO। ठीक है, इसमें हम टर्न ऑफ कैसे करेंगे, इसमें हम टर्न ऑफ करेंगे नेगेटिव गेट पल्स देके। देखिए इसमें सिंबल में आप देखेंगे दोनों साइड है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव गेट पल्स देके हम GTO को टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहां एनोड, देन P+, N+, P+, N+, P+, ऐसा पूरे सर्कुलर रहता है, तो ऐसा पूरा हम डिजाइन करेंगे। देन यहां पर N, then P+, और यहां पर सिमिलरली जैसे हमने HTR में इंटर डिजिटेशन किया था, वैसे ही यहां पर भी पूरा इंटर डिजिटेशन होगा। ठीक है, अब यहां से हम कैथोड ले लेंगे, ये पूरा सर्कुलर रहेगा। ठीक है, यहां से कैथोड टर्मिनल ले लिया हमने K, और यहां से गेट, यहां से हमने गेट ले लिया। ठीक है, यहां पर P+ है, यहां पर P+ है। तो इस तरीके से इसका बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखेगा। अब टर्न ऑन प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे, पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे। अब कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका ये देख लेते हैं। IG का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 to 2 एम्पियर। ठीक है, जबकि HTR में कितना होता था, HTR में होता था 100 to 500 mA, तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो उसके मुकाबले IG GTO में ज्यादा होगा, उसके कारण क्या होगा, टर्न ऑन गेन कम हो जाएगा GTO का। टर्न ऑन गेन क्या होता है, IMA/IG, ये इंक्रीज होगा तो टर्न ऑन गेन कम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं टर्न ऑफ करने के लिए क्या करेंगे। टर्न ऑफ करने के लिए हम नेगेटिव IG देंगे, नेगेटिव गेट सिग्नल, नेगेटिव गेट सिग्नल देंगे। इसका मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली होगा 20 to 25% ऑफ IMA, एनोड करंट के मैक्सिमम के 20 to 25% होगा। ठीक है,
अब देखते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीटीओ, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीटीओ, जीटीओ। ठीक है, तो सबसे पहले गेट का ग्राफ बना रहते हैं, गेट करंट का आईजी। तो आईजी कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, देन आईजीएम, देन डिक्रीजिंग, देन सम मैग्नीट्यूड ऑफ आईजी, लेट इट इज 0.1 आईजीएम, देन डिक्रीजेस, देन डिक्रीजेस, इस टाइप का ये होगा गेट करंट। अब देखते हैं आई ए एनोड करंट, और पहले एनोड करंट देख लेते हैं। एनोड करंट धीरे धीरे अप टू दिस पॉइंट इट इज जीरो, देन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, देन अप्रोचेस टू मैक्सिमम ऑफ एनोड करंट, देन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीज, दिस इज कॉन्स्टेंट सॉरी, एंड देन कॉन्स्टेंट, देन डिक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग स्लोली। ठीक है, अब देखते हैं वोल्टेज। तो इट इज मैक्सिमम, देन डिक्रीजिंग, देन सम वोल्टेज ड्रॉप ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, दिस पॉइंट देन इंक्रीज। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। ये है विथ स्नबर सर्किट। अगर स्नबर सर्किट नहीं होगी तो यहां पर वोल्टेज स्पाइक्स आ सकती हैं, इसलिए हम स्नबर सर्किट यहां पर लगाते हैं। ठीक है, विदाउट स्नबर वोल्टेज स्पाइक्स हो सकते हैं, इसलिए हम स्नबर सर्किट लगाते हैं। ठीक है, सो इसका डिवीजन देखते हैं। दिस इज टी ऑन, टर्न ऑन टाइम, देन दिस इज ऑन स्टेट अप टू दिस पॉइंट ऑन स्टेट, देन दिस इज टी एस एंड दिस इज टी एफ एंड नाउ दिस इज अगेन टी टी। ठीक है, अब देखते हैं टी एस क्या है। सबसे पहले टी एस जो है वो है स्टोरेज टाइम, देन टी एफ है फॉल टाइम, और टी टी जो है वो है टेल टाइम। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए यहां पर हमने गेट पल्स स्टार्ट देना स्टार्ट किया, देन ये मैक्सिमम पे पहुंचा अपने। जब ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो धीरे धीरे एनोड करंट बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ समय बाद ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और यहां पर जीटीओ ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ऑफ कराना है इस पॉइंट पे, तो हमने गेट पल्स देना बंद कर दिया। एक चीज और, ये पॉइंट वन आईजीएम हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं देंगे तो मे बी जीटीओ ऑफ हो जाए। ठीक है, इसलिए हम एक छोटा सा मैग्नीट्यूड देते रहते हैं। ठीक है, गेट पल्स का इसको बोलते हैं बैक पोर्च करंट। ठीक है, देन यहां पर इस पॉइंट पे हमें टर्न ऑफ कराना है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव गेट पल्स देना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम गेट पल्स नेगेटिव गेट पल्स देना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर जो स्टोर्ड होंगे चार्ज इस टाइम में, टीएस टाइम में क्या होगा, जो स्टोर्ड चार्ज हैं वो रिमूव होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, जब ये मैक्सिमम ऑफ द चार्ज रिमूव्ड हो जाएंगे
तो करंट धीरे धीरे यहां पर डिक्रीज होने लगेगा फास्टर रेट से, ठीक है। ये होगा टीएफ में। टीएफ में क्या होगा, जो चार्ज करंट जो है तेजी से डिक्रीज होगा। देन कुछ समय बाद टीटी, टीटी के टीटी में जो करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है। करंट डिक्रीज स्लोली स्लोली, और यहां पर करंट डिक्रीज फास्ट, ठीक। अब देखिए यहां पर करंट स्लोली क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस समय में एन माइनस लेयर का जो रीजन है वहां से चार्ज रिमूव हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पर करंट स्लोली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये करंट स्लोली यहां से डिक्रीज होगा और टर्न टेल टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, टेल टाइम अगर ज्यादा होगा तो यहां पर क्या होगा, टर्न ऑफ टाइम, टर्न ऑफ पावर लॉस, टर्न ऑफ पावर लॉस ज्यादा होगी, टर्न ऑफ पावर लॉस ज्यादा होगी। अगर टेल टाइम ज्यादा होगा तो टर्न ऑफ पावर लॉस ज्यादा होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक अरेंजमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एनोड शॉर्टेड जीटीओ। जब हमने कंस्ट्रक्शन देखा था बीसी के स्ट्रक्चर, तब हमने यहां पर देखा था कि यहां पर हमने पी प्लस इंटरमिक्सिंग करी हुई है पी प्लस और एन प्लस की, वो इसलिए किया था। देन एन माइनस पी प्लस देन एन प्लस एन प्लस, गेट कैथोड, इसलिए हमने किया था। देखते हैं बिल्कुल, यहां पर एससीआर मान लीजिए, जो हमने एससीआर बनाया था उसको देख लेते हैं पहले, उससे हम समझेंगे। देखिए जब रिवर्स बाइज्ड होता है तो ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन यहां पर फॉरवर्ड रिवर्स वोल्टेज होता है, तो यहां पर ये वाला जो J1 है यहां पर ज्यादा वोल्टेज ब्लॉक होता है। मान लीजिए अगर 1000 वोल्ट ब्लॉक करा रहे हैं तो यहां पर 950 वोल्ट ब्लॉक होगा और यहां पर 50 वोल्ट ब्लॉक होगा। तो इस रीजन को हम अगर हटा दें, इस जो ये J1 जंक्शन है जो रिवर्स बाइज्ड है, अगर ये हटा दें तो क्या होगा, तो ये रिवर्स बाइज्ड नहीं रह जाएगा। अगर ये रिवर्स बाइज्ड नहीं हो जा रहेगा तो यहां पर चार्ज स्टोर होंगे ही नहीं, ठीक है। चार्ज स्टोर नहीं होंगे तो यहां पर इसको टाइम नहीं लगेगा यहां से एन माइनस लेयर से चार्ज रिमूव करने से, तो यहां पर टाइम टेल टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और टर्न ऑफ पावर लॉस कम हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए यहां पर कोई रिवर्स बाइज्ड नहीं है, अगर यहां पर रिवर्स बाइज्ड नहीं है तो यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चार्ज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, टेल टाइम कम हो जाएगा और टर्न ऑफ पावर लॉसेस कम हो जाएगी। पर इससे एक डिसएडवांटेज भी है कि यहां पर वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी जो है जो एससीआर की थी वो जीटीओ की नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक। अब ये जो एनोड शॉर्टेड जीटीओ है ये कहां कहां यूज होगा, इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होगा। दूसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी कम होगी। तीसरा लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए यूज होगा, लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए यूज होगा। और दूसरा जो हम एक और जीटीओ जो होता है वो होता है गोल्ड डोब्ड जीटीओ, गोल्ड डोब्ड जीटीओ। तो गोल्ड डोब्ड जीटीओ में हम क्या करते हैं, एन माइनस और जो पी प्लस की जो जंक्शन था वहां पर हम गोल्ड से डोपिंग कर देते हैं, गोल्ड से डोपिंग कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा,
रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी, इसका ये एडवांटेज है, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी, जो उसमें कम हो रही थी वो कम नहीं होगी, और टर्न ऑफ टाइम भी कम होगा। ठीक है, इसका हम देखेंगे तो इसमें मोर ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा, ज्यादा होगा ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। दूसरा है हाई रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी होगी। तीसरा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये गोल्ड डॉप्ड जीटीओ है। दूसरा जो डिवाइस है वो है एएससीआर, असिमेट्रिक कर्व सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एक हाइरिस्टर बोल देते हैं। तो एसिमेट्रिक क्यों है ये देखते हैं। यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडक्शन, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड देन यहां पर रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग। ठीक है, तो एससीआर में क्या होता है वो सिमेट्रिकल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, जो फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग है और रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग है वो सेम होती है। जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी है और रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी है वो सेम होती है, इसलिए उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब एसिमेट्रिकल में क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग तो उतनी ही रहेगी पर रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग उसकी हम कम कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत सी एप्लीकेशन होती है जहां पर हमें इतनी वोल्टेज ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ज्यादा वोल्टेज हम ब्लॉक करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होता है, अब कॉस्ट ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी डिवाइस बनाएंगे जिसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी कम हो, तो उसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, साइज कम होने के साथ साथ इसमें एडवांटेज क्या है और देख लेते हैं। इसमें ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं टर्न ऑन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, टर्न ऑफ टाइम जो है वो कम हो जाएगा, तो इससे ये एडवांटेज मिल जाता है। ये हो गया ए सिमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल थायरिस्टर रेक्टिफायर। अब हमारे पास जो डिवाइस है अगली वो है आरसीटी। ये क्या है, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। ठीक है, अब देखें इसका डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। तो ये रहेगा एक एससीआर, उसके एंटी पैरेलल में एक डायोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये इनबिल्ड रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी, इसको लगाने से कौन कौन से मोड्स इसमें काम करेंगे। तो पहला जो मोड होगा वो होगा फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड अब रिवर्स ब्लॉकिंग हटके रिवर्स कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहां से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अभी जो आरसीटी है वो किस रेटिंग की अवेलेबल है। यहां पर है 2000 वोल्ट एंड 500 एम्पियर, इतनी रेटिंग की आरसीटी अभी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये डिवाइस क्या हो गई, बाई डायरेक्शनल करेंट एंड यूनिपोलर वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी डिवाइस। ठीक है, तो ये हो गया आरसीटी। इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं वीएसआई में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में। और यहां इसका ए सीएसआर का हम यूज कर सकते हैं चॉपर सर्किट में और कम्यूटेशन सर्किट में,
इसका यूज कर सकते हैं ACSR का। और GTO की एप्लीकेशन बताना भूल गया था मैं, GTO को हम यूज करते हैं रोबोटिक्स में, यूज कर सकते हैं इसका रोलिंग मिल्स में, यूज कर सकते हैं रोलिंग मिल्स में। और इसका वेट कम होने के कारण इसको हम यूज कर सकते हैं ट्रेंच ट्रैक्शन पर्पस के लिए, इसका वेट कम है क्योंकि। और एडजस्टेबल एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर ड्राइव्स में भी यूज कर सकते हैं, इन्वर्टर ड्राइव्स में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया GTO RCT ACSR। अब देखेंगे हम अगले वीडियो में ट्रायक, उसकी फायरिंग सर्किट और डायक, ठीक है, ये सब देखेंगे हम।